अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अली हसनैन और आज मैं दोबारा से इमरान खान के बारे में न्यू वीडियो ला चुका हूँ और आज हम लोग दोबारा से इमरान खान के बारे में बात करने गए और मैं इमरान खान के साथ आज पाकिस्तान की एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने जुल्म किया हुआ है, ठीक है, उसका भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो के बीच में। खैर अपनी वीडियो चालू करते हैं, तो पहले आप सारे मेरे को ये बताएं, ठीक है, अपने सारे काम छोड़ के मुझे ये बताएं कि इस पे इमरान खान का क्यों कसूर है कि आप इमरान खान को झटपट आ रहे हैं। इस पे क्या कसूर है इमरान खान का? इमरान खान ने हमारे लिए क्या क्या किया? इमरान खान ने हमारे लिए सब कुछ किया। इमरान खान ने हमारे लिए क्रिकेट जीता। इमरान खान ने हमारे लिए कुछ भी किया, कुछ भी सच्ची पे। और बदले पे हम इमरान खान को, जब हमारा वक्त आया ना इमरान खान को कुछ देने का, तो इमरान खान जेल पे है और आप सारे बाहर घूम रहे हैं। आपको इमरान खान की फिक्र नहीं। तो दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप भी अपने इमरान खान को जेल पर तड़पते तड़पते नहीं देखना चाहते तो आप भी अपने बिजी कामों को छोड़ के आ जाए, अपने इमरान खान को हमारे साथ निकालें। इमरान खान हमारे लिए सब कुछ है। इमरान खान ने हमारे लिए सब कुछ किया है दोस्तों, सब कुछ इमरान खान ने हमारे लिए किया है। हम लोग भी इमरान खान के लिए अब कर सकते हैं। अब जो वक्त की घड़ी थी, अब उस वक्त की घड़ी का टाइम आ चुका है, ठीक है। अब लोहार होने वाले 22 का जलसा, तो उस जलसे पे इंशाल्लाह सारे लोग जाएंगे और उस जलसे पे सारे लोग जाने के बाद ना सारे लोग ना जेल को तोड़ देंगे इमरान खान को आज़ाद करने के लिए। और मैं भी दुआ करता हूँ कि मैं भी जाऊँगा उस जलसे पे, सारे लोग जाएंगे, मेरे बाबा भी जाएंगे 22 के लाहौर के जलसे, और मैं उस कंट्री का भी बताऊंगा जो कि इंडिया ने उस कंट्री पर जुल्म किया था, ठीक है। तो वो कंट्री का नाम मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच पे, ठीक है। पाकिस्तान की कौन सी कंट्री पे इंडिया ने जुल्म किया हुआ है, उसका आधा, उसके आधी आधी कंट्री तो भाई इंडिया के पास है, वो जो पाकिस्तान की एक कंट्री, ठीक है, उसका मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इमरान खान ने हमारे लिए सब कुछ किया, ठीक है। जो आज हम लोग के पास है ना, वो इमरान खान की वजह से, ठीक है, जो भी हमारे पास है इमरान खान की वजह से। बट ये क्या बात हुई, मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही, जब इमरान खान ने हमारे लिए कर लिया और जब हमारा टाइम आया इमरान खान के लिए कुछ करने का, तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग बस अपने फ़ोनों पर लगे, हम इंसान कुछ नहीं कर रहे, हम इंसान सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, हम इंसान फ़ोन देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम इसलिए डर रही है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ना डर रही है, ठीक है, उन्हें डर लग रहा है, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के लोगों को डर लग रहा है। बट उनको पता है क्यों डर लग रहा है नवाब शरीफ और शहबाज शरीफ से, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहली बात है कि आप अपने डर को, जितना भी डर है ना, वो सारा डर ना भगा दो, डर सारा फेंक दो, अपना जितना भी डर है ना, जितना भी दिमाग पर डर है वो सारा दिमाग से निकाल दो, ठीक है। अगर आप नहीं निकालोगे अपने दिमाग से वो डर, तो आप नहीं बन पाओगे स्ट्रॉन्ग। जो जितना भी जितनी भी मेहनत है ना इमरान खान के लिए, वो ही यहाँ पे आप जो भी करोगे बस इमरान खान के लिए ही यहाँ पे करोगे, ठीक है। और इमरान खान को कभी नहीं भूला और हम लोग आवाम क्यों डर रही है, आप मेरे को इसका रीज़न बताएं, क्यों आवाम डर रही है पाकिस्तान के? इमरान खान को नहीं छुटवाना है तो नहीं छुटवाओ, छुटवाओ ना, क्यों नहीं कर रहे ऐसा? अब ना करो ऐसा, अब अपने काम लोग को छोड़े, अपनी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और तो जहाँ पे भी आप बिजी हो ना, फिर बहुत ज़्यादा बिजी हो, उस बिजी को निकाल दें और सीधा आवाम के साथ ही दौड़ के इमरान खान को निकालें, ठीक है। आप जेल तोड़ के इमरान खान को निकाल सकते हैं। आवाम ना डरो, ना डरो, आप बहुत पावरफुल हो, आप इमरान खान के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, सच्ची पे कुछ भी आप इमरान खान के लिए कर सकते हो। हम सारे मिलके ना सब कुछ कर सकते हैं इमरान खान के लिए, ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं गाइस, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं इमरान खान के लिए। हम इमरान खान के लिए ऐसा नहीं कि इमरान खान वापस जेल में बंद रहे और यहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, मस्त मज़े कर रहे हैं, ऐसा नहीं है गाइस, हम लोग को इमरान खान को निकवाना है, निकवाना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, वो ने इंडिया ने कब्जा किया हुआ है उस कंट्री का नाम है, वो
उसके कंट्री का नाम है आप आपको बता दे जा रहा पाकिस्तान की वही कंट्री जिस पर इंडिया ने आधा आधा उस कंट्री को ले लिया कब जाके कश्मीर पे बहुत बुरी हालत है मैं बता रहा हूँ कश्मीर की बहुत बुरी हालत है कश्मीर जो कि पाकिस्तान की कंट्री है उसको आधा पता है किसने लिया आधा इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है पता है कितने सालों से पाकिस्तान की एक कंट्री है जो इसका नाम कश्मीर है उस पर 1947 से ही इंडिया के पास कश्मीर है आधा ठीक है 1947 से ही ना कश्मीर के पास आधा हिस्सा बचा है बस इतना सा हिस्सा बचा है कश्मीर के पास देखो पहले इतनी बड़ी कंट्री थी कश्मीर इतनी बड़ी थी जब से इंडिया का यहाँ से अटैक हुआ है ना से अटैक फौजियों का इंडिया ने अटैक किया है कश्मीर पे पाकिस्तान का कश्मीर पे तब से वो इतना हो गया इतना जितना मेरा हाथ है ना उतना हो चुका है कश्मीर तो ना 1947 के तक की ना इंडिया के पास हमारा आधा कश्मीर है तो हमें ना बहादुर बन के अपनी कश्मीर की भी हेल्प करनी है ठीक है हमें बहादुर बनना है हमें दिल से बहादुर बनना है हमें डरना नहीं है हमें पीछे नहीं हटना हमें आगे बढ़ना है आगे ठीक है आगे हम लोग जितनी भी पढ़ाई लिखाई इंजीनियर बन रहे स्मार्ट बन रहे वो हम सब कुछ इमरान खान के लिए कर रहे हैं ठीक है अब जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियर बन रहे हैं साइंटिस्ट बन रहे हैं अब उन सारे कामों को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने प्यारे दिल के अंदर जो इमरान खान है उसको छुटवाने के लिए कर रहे हैं ये सब पढ़ाई लगाए देखो अब मैं भी स्कूल पे ही हूँ मैं भी पढ़ाई करता हूँ और मैं भी इसलिए पढ़ाई करता हूँ ताकि मैं अपने इमरान खान को छुड़वा पाऊँ जितने भी बच्चे हैं सारे स्कूल पे पढ़ते हैं कॉलेज पे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी पे पढ़ते हैं ऑफिस पे पढ़ते हैं लोग ऑफिस पे काम करते हैं वो सारे इसलिए करते हैं ताकि इमरान खान जेल से छूट जाए ठीक है और 1947 पे जो कश्मीर पर कब्जा आया ना उस कब्जे को हम लोग ने बचाना भी है ठीक है हम लोग ने उस पर क्या करना है इंडिया को ना भगा देना है ठीक है कश्मीर की ना हालत बहुत खराब है मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको दिखाऊंगा कश्मीर की कैसी हालत है वीडियो पे बीच के दिखाऊंगा मैं वीडियो के बीच पे कि कश्मीर की कैसी हालत हो रही है इंडिया के अटैक से दिखाऊंगा भी ठीक है और आपको एक और चीज़ बता दूँ इमरान खान ने सारी मेहनत करी सब कुछ जीता हमारे क्रिकेट जीता सब कुछ जीता क्रिकेट पे वर्ल्ड कप जीता सब कुछ जीता इमरान खान ने हमारे लिए क्या क्या किया पर लोगों ने उसको बदले पे क्या दिया पता क्या जेल लोगों ने बदले पे जेल दिया इंशाल्लाह इमरान खान छूटेगा इसका रीजन आप सारे मेरे को इसका रीजन बताओ कि आप सारे मेरे को एक रीजन बता दो बस एक रीजन जो कि बहुत बड़ा रीजन होने वाला है मैंने जितनी भी वीडियो बनाई इमरान खान के बारे में बड़ी ये रीजन दुनिया का सबसे बड़ा इमरान खान का रीजन होने वाला है अब क्यों नहीं इमरान खान को छुड़वा लेते ठीक है तो आप ये क्यों नहीं बता देते कि इमरान खान को आप जेल से नहीं छुड़वा ठीक है आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती करें जितनी भी गलती हुई है ना कि होमवर्क सही से नहीं होया कुछ भी सही से नहीं होया पर दुनिया की सबसे बड़ी गलती पता क्या है जो कि आप हमेशा करते हैं हमेशा दुनिया की सबसे बड़ी गलती करते हैं और उस गलती का नाम है कि आप इमरान खान को जेल से नहीं छुटवाए ना क्यों नहीं छुटवा रहे ताकत नहीं है सारी ताकत दिल को बोले कि प्लीज इमरान खान को छुटवाई अब आप क्यों डर रहे हैं मुझे बताओ ना सारे क्यों डर रहे हैं इमरान खान को हमने छुटवाना है हम लोग अपनी ताकत दिखा रही है अब हमारा वक्त आ चुका है अब हमारा घड़ी आ चुका है अब हमारा टाइम आ चुका है अब हम कुर्बानी देंगे अपनी जान भी देंगे इमरान खान के लिए हम सब कुछ करेंगे अपने इमरान खान के लिए बस मैं यही चाहता हूँ अपनी पूरी आवाम से यही चाहता हूँ कि हम सारे मिल के रहकर हम सारे अपने दिल के साथ मिल के इमरान खान को छुटवाएंगे अपना डर निकाल दे जितना भी डर है सारा निकाल दे अब ना डरे सच्ची में अपना सारा डर निकाल दे गाइस अब सारा डर अब आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड बढ़ते जा रहे हैं अब 22 को होने वाले लाहौर के जलसे और उस पर अगर आप लोग सारों ने जाना है लाहौर के 22 के जलसे पर ठीक है आपने उस जलसे पर जाके ना
बहुत ज्यादा अपने टावर दिखा दिया, ठीक है। डरना नहीं है, डरो ना गाइस, ना डरो, आपके साथ अल्लाह है, आपके साथ कोई सब कुछ है, आपके साथ पता है कौन कौन है इमरान खान को छुटवा ले, अल्लाह ताला है, लोग है, आपके साथ सब कुछ है, सारे लोग हैं आपके साथ इमरान खान को छुटवा ले, अल्लाह भी आपकी हेल्प करेगा, सारे लोग हेल्प करेंगे, अपने सारे बिजी काम छोड़ दे गाइस। ये लास्ट क्वेश्चन है कि इमरान खान जेल पे क्यों है, बताओ मुझे क्यों है। दोस्तों आपके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि आप इमरान खान को छुटवा सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ आप सब कुछ कर लेते हो, बस सिर्फ एक चीज़ के अलावा आप आवाम, सारी आवाम डर रही है। आप क्यों डर रहे हो, नहीं डालेंगे आपको जेल पे, आप बस इमरान खान को छुटवाना चाहते हो, महंगाई खत्म करवाना चाहते हो। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि आप महंगाई क्यों खत्म करवाना नहीं चाहते। अब मेरी बातों पर गौर किया, गौर करना और मेरी बातों पर यकीन भी करना, ठीक है। तब दोस्तों इमरान खान वापस तरफ रहा है और आपको इतनी भी शर्म नहीं है, इतनी भी सेंस नहीं है कि आप इमरान खान को छुपवा भी सकते हैं। खैर दोस्तों इन बातों को छोड़ते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल को दबाएं। मैं आपको तो नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक बाय बाय। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।